सो हे गाइज, इन वेल बैक टेक स्ट्रेटजी। आप देख रहे हो उसमें टेक एजुकेशनल वीडियो। तो यहाँ पे गाइज मुझे कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, जिसमें से आप लोगों में से कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा था कि हम लोग एक आधार कार्ड से कितने सारे सिम कार्ड एक्टिवेट करा सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पे आजकल लोग एक जो है कि एक बंदा काफ़ी सारे सिम यूज कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में काफ़ी लोग होंगे जो एक ही बंदा होगा जो काफ़ी सारे सिम यूज करा होगा, काफ़ी सारे वो सिम एक्टिवेट करा कर मतलब यूज वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पे गाइज आप लोग यहाँ पे जरूर कन्फ्यूज होंगे कि हम लोग एक आधार कार्ड से कितने सारे जो है कि मैक्सिमम सिम एक्टिवेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज पहले क्या था कि पहले जो था कि मतलब आप लोग एक आधार कार्ड से सिर्फ 9 सिम एक्टिवेट करा सकते थे। बट गाइज यहाँ पे कुछ नियम जो है कि बदलाव आया है, जिसके थ्रू अब जो है कि आप लोग 9 का दुगना यानी कि आप 18 सिम एक आधार कार्ड पे एक्टिवेट करा सकते हैं। यानी कि आप लोग ये समझ लो कि मतलब पहले 9 था, अब हो गया 18। क्यों हो गया मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे एक आधार कार्ड पे 18 सिम इसलिए आप लोग एक्टिवेट करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था कि मतलब लोग मतलब उतना ज़्यादा बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अब क्या, अब देखा गया है कि मतलब आजकल लोग ज़्यादातर इंटरनेट वगैरह से ही बिजनेस वगैरह करते हैं। तो इसलिए जो है कि आप एक आधार कार्ड से आप जो है कि 18 सिम एक्टिवेट करा सकते हैं। ये कॉमनली जो है कि बिजनेस के लिए इससे जो है कि थोड़ा सा इंक्रीज यानी बढ़ाया गया है कि आप लोग एक आधार कार्ड से 18 सिम एक्टिवेट करा सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसके साथ साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को कर देना लाइक, लाइक करने में चाहे कर देना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को देना प्रेस। मिलते हैं अगले वीडियो।